गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो है व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? हम सभी को पता है कि रिस्क होता क्या है। एवरी डे वी टेक रिस्क, है ना? तो जब हम प्रोज और कॉन्स देखते हैं, मतलब जब हम पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड देखते हैं, तो हम रिस्क की असेसमेंट करते हैं। हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम सोचते हैं ना कि इसके क्या पॉजिटिव पॉइंट होंगे, क्या नेगेटिव पॉइंट होंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड कैरिंग आउट डिसीजन दैट विल मिनिमाइज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिस्क ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। The adverse effect of risk can be objective or quantifiable, like insurance premiums and claim cost, or subjective and difficult to quantify, such as damage to reputation or decreased productivity. तो जो risk management है, ये एक ऐसा process होता है जिसमें हम decision लेते हैं कि जो adverse effect हैं risk के, उसको कैसे कम करना है, जो इफेक्ट्स हैं वो ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, मतलब जिनको हम वे कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा हुआ है लॉस हमें या प्रॉफिट हमें, वो रिस्क से हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो वो क्वांटिफाइएबल में कैसे होगा? क्वांटिफाइएबल वो होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे क्लेम कॉस्ट। द एडवर्स इफेक्ट ऑफ रिस्क कैन बी ऑब्जेक्टिव और क्वान्टिफाइबल, मैंने आपको बताया कि क्वान्टिफाइबल होता है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लेम कॉस्ट। और सब्जेक्टिव एंड डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई, सच एज डैमेज टू रेप्यूटेशन और डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब जो रेप्यूटेशन है उसको हम मेजर नहीं ना कर सकते, वो सब्जेक्टिव है और उसको, वो एक क्वालिटेटिव चीज़ है। ठीक है, अगर प्रोडक्टिविटी कम हुई है वो भी क्वालिटेटिव चीज है कि हाँ जी इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई है। ठीक है, बाय फोकसिंग अटेंशन ऑन रिस्क एंड कमिटिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज टू कंट्रोल एंड मिटिगेट रिस्क, अ बिजनेस विल प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम अनसर्टेनिटी, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड सक्सेस। तो जब हम अपने रिस्क को मैनेज कर लेंगे तो उससे क्या होगा, जो बिजनेस है वो बच जाएगा अनसर्टेनिटी से। अनसर्टेनिटी मीन्स कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आपको नहीं पता। रिड्यूस कॉस्ट, ठीक है, एंड इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी एंड सक्सेस। तो इससे क्या है, जब रिस्क मैनेज हो जाएगा तो बिजनेस भी सक्सेसफुल होगा और बिजनेस चलता रहेगा, सर्वाइव करता रहेगा। A risk exists where there is an opportunity for a profit or a loss. Risk वहाँ होता है जहाँ आपको ये नहीं पता कि अगर मैं ये काम करूँगी तो profit होगा या loss होगा। Profit भी हो सकता है, loss भी हो सकता है। In terms of losses, we commonly refer to the risk as exposures to loss or simply exposures. अगर तो हमें loss हुआ है तो हम उसको बोलते हैं exposures. A fire is an exposure. अगर आग लग जाए घर पे या कहीं भी जहाँ warehousing में, तो वो एक exposure है। The loss of business that results from a damaged building or tarnished reputation is also an exposure. अब अगर बिल्डिंग जो है वो डैमेज हो गई है, ठीक है, या फिर उसकी जो रेप्यूटेशन है वो खराब हो गई है, तो वो भी क्या है, एक रिस्क ही होता है। अब हम ये कैसे देखेंगे कि हमें कितना रिस्क हुआ है? प्रोबेबिलिटी होता है कि कितना रिस्क हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। सिवेरिटी होता है कि कितना डीपली हमें लॉस हुआ है, कितना ज़्यादा लॉस हुआ है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। तो रिस्क होता है प्रोबेबिलिटी इनटू सिवेरिटी। तो प्रोबेबिलिटी इज द लाइकलीहुड ऑफ एन इवेंट अकरिंग एंड सिवेरिटी इज द एक्सटेंट एंड कॉस्ट ऑफ द रिजल्टिंग लॉस। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो ये है कि कितनी बारी ये इवेंट हो सकता है, और सिवेरिटी है किस एक्सटेंट तक हो सकता है।
इन ब्रॉड टर्म रिस्क में भी ब्रोकन डाउन इंटू टू कैटेगरीज, रिस्क की दो कैटेगरीज होती हैं। रिस्क वेयर द पॉसिबल आउटकम आर इधर लॉस और नो लॉस, इट इंक्लूड थिंग्स लाइक फायर लॉस, अ बिल्डिंग बीइंग बल्गराइज्ड, हैविंग एन एम्प्लॉय इन्वॉल्व्ड इन अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट एक्सेट्रा। तो इसमें तो ये है कि आपको लॉस होना ही होना है, इधर लॉस और नो लॉस, फायर से लॉस होगा ही होगा, मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट, मोटर व्हीकल का एक्सीडेंट हुआ है तो भी लॉस होगा ही होगा। स्पेक्युलेटिव रिस्क वो होते हैं जिनका पता नहीं है कि होगा या नहीं होगा, जिसमें प्रॉफिट भी हो सकता है। रिस्क वेयर द पॉसिबल आउटकम्स आर ईदर अ लॉस और प्रॉफिट और स्टेटस क्यू, इट इंक्लूड्स थिंग्स लाइक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट। तो स्पेक्युलेटिव रिस्क में आएगा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस डिसीजन सच एज न्यू प्रोडक्ट लाइन, न्यू लोकेशन एक्सेट्रा। तो इसमें हो सकता है जैसे हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो कभी कभी उसमें प्रॉफिट होता है पर कभी कभी बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। ऐसे ही हम कोई नया प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हमें प्रॉफिट भी हो सकता है लॉस भी हो सकता है। अब वाई मैनेज रिस्क, देर आर सो मैनी रीजन्स टू मैनेज रिस्क, सम ऑफ देम सेविंग रिसोर्सेस, पीपल, इनकम, प्रॉपर्टी, एसेट, टाइम, प्रोटेक्टिंग पब्लिक इमेज, पब्लिक में अपनी एक अच्छी इमेज बना के रखना, अपने एसेट्स को सेव करना, एसेट्स में आएगा जैसे आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स हो गए, शॉर्ट टर्म एसेट्स हो गए, फिर रिसोर्सेज में आएगा पीपल, इनकम, प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रोटेक्टिंग पीपल फ्रॉम हार्म, प्रिवेंटिंग, रिड्यूसिंग लीगल लाइबिलिटी, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके कारण हमें जो है रिस्क को मैनेज करना चाहिए ताकि लोगों को कोई हार्म ना हो। और कोई लीगल लाइबिलिटी ना हो उनके ऊपर, जो भी कंपनी है या कोई पर्सनली कोई इंसान है उसको रिस्क हो रहा है तो उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी ना पड़े। और प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करे। अब रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में क्या आएगा, आइडेंटिफाई पोटेंशियल एक्सपोजर टू लॉस। पहले आपने ये देखना है कि कितना लॉस हो रहा है, ठीक है, फिर मेजर फ्रीक्वेंसी एंड सिवियरिटी, फिर आपने ये मेजर करना है कि कितनी बारी ये जो लॉस है ये अकर हो रहा है जिसके साथ की रिस्क हमें हो रहा है और कितने एक्सटेंट तक हो रहा है। नेक्स्ट इज एग्जामिन ऑल्टरनेटिव्स, उनके और भी ऑल्टरनेटिव्स देखने हैं कि अगर ये मेथड नहीं अप्लाई हो सकता तो कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है रिस्क को मैनेज करने का। देन इज डिसाइड विच ऑल्टरनेटिव टू यूज़, तो बाकियों में से कौन सा ऑल्टरनेटिव यूज़ करना है ये भी डिपेंड करेगा। देन इम्प्लीमेंट द चोजन टेक्निक्स, मॉनिटर रिजल्ट्स, जो टेक्निक हमने चूज की है उसको इम्प्लीमेंट करना, फिर मॉनिटर करना रिजल्ट को। अगर कोई हमें लग रहा है कि करेक्टिव मेजर लेने वाला है, कोई स्टैंडर्ड जो सेट है उसके अकॉर्डिंग हम नहीं रिजल्ट दे पा रहे तो उसको चेक करके फिर उस अकॉर्डिंग रिजल्ट देखने हैं। Many businesses do things to prevent losses or mitigate risk every day, but don't think of it as risk management. Most prudent business people and manager take care to do things like prevent accident, protect property, and keep customers and employees from harm. So many businesses do things to prevent losses or सिर्फ लॉस को कवर करना ही रिस्क मैनेजमेंट नहीं होता। रिस्क मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जैसे एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखना, कस्टमर्स का ध्यान रखना, उनको हार्म नहीं होने देना। क्योंकि अगर आपके कस्टमर्स या जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो हार्म हो गए तो आपकी प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा, आपकी सेल्स पे फ़र्क पड़ेगा, इसलिए हर एक चीज़ का ध्यान रखना है। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो। इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो।